हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एक यूनिक केक का डेकोरेशन दिखाने वाले हैं जो बनाने में बहुत ही इजी है। तो चलो ज़्यादा बकबक ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा आइसिंग बिल्कुल कंप्लीट है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर का व्हिप क्रीम के साथ ट्री बना रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप गनाच से भी आप ये काम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ही यूज़ किया है और इस ट्री का कलर बहुत ही नेचुरल लग रहा था। और इसके बाद हम बहुत ही यूनिक डिफरेंट टाइप का केक का डेकोरेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने शूट करके ही रखा है, बस एडिट करना है और अपलोड करना है। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। अगर आपका क्रीम ज़्यादा स्टिफ नहीं भी हुए तब भी आपका जो केक है, मतलब ये केक का जो डेकोरेशन है, जो ट्री मैं बना रही हूँ, वो अच्छे से ही बनेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली ट्री बना रही हूँ। तो मैंने बहुत बार आपके साथ रोज़ बनाना शेयर किया है, लेकिन आज मैं रोज़ नहीं बनाऊँगी। आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप का फ्लावर बनाने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी है बनाना और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आप देख सकते हो नोज़ल ऐसा दिखता है, क्योंकि इस नोज़ल के ऊपर कुछ भी नंबर्स वगैरह लिखा हुआ नहीं था। बस आपको ये डिज़ाइन देखकर ये नोज़ल ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो नोज़ल है ये रोज़ बनाने में काम आते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो फ्लावर्स है, यहाँ पर मैंने दो टाइप का फ्लावर्स बनाना आपको सिखाया है और ये फ्लावर्स भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेकेंड टाइप का फ्लावर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन हाँ, आप जब ये फ्लावर्स बनाओगे ना तो आपका क्रीम स्टिफ होना चाहिए। अगर स्टिफ नहीं हुआ, अगर सॉफ्ट होगा ना, तो आपके ये जो फ्लावर्स है ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। और इस केक का फ्लेवर था ब्लैक फॉरेस्ट और इसका पाउंड था 2 पाउंड और इसका प्राइस मैंने 1300 लिया है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप कस्टमर को केक डिलीवरी कर रहे हो इस समर के सीज़न में, मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि यहाँ पर कितना ज़्यादा गर्मी है। तो आप कोशिश करना सुबह के 9 बजने से पहले केक को डिलीवरी कर दो, या फिर शाम को 6 बजे के बाद आप केक को डिलीवरी करो, तो आपका जो केक है वो बिल्कुल एकदम ख़राब नहीं होगा, ठीक है, क्रीम भी मेल्ट नहीं होगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर येलो कलर का शेडिंग क्रीम लेके भी फ्लावर्स बनाया है, मतलब दोनों कलर का फ्लावर्स मैंने बनाया है। अगर आप चाहो तो आप एक कलर की भी आप बना सकते हो। और शेडिंग क्रीम कैसे बनाते हैं अगर आपको ये पता नहीं है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लीफ बनाया है, इसके लिए मैंने कुछ भी नोजल्स नहीं यूज़ किया है, बस पाइपिंग बैग को वी शेप में कट करके ही मैंने आज लीफ बनाया है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा जो नूर का स्टार नोज़ल आता है ना, बस उसके मदद से मैंने छोटा छोटा फ्लावर्स भी बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो ये ना भी करोगे ना तो केक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ अच्छे से ये फ्लावर्स बना दूँगी, ताकि और भी ज़्यादा नेचुरल लुक लगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक ही नेम है, मेरा पेज का नेम है चोको डिलाइट बाय सुष्मिता। अगर आप चाहो तो वो भी आप फॉलो कर लेना। तो पता नहीं इस केक का वीडियोस में लुक कैसा आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और मेरे कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा सुंदर वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। और मेरा केक का लुक बिल्कुल कंप्लीट है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो बिल्कुल आप स्किप भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन कलर का मोती, सॉरी सिल्वर नहीं, आज मैंने यूज़ किया है गोल्डन और ब्लू कलर का मोती के मदद से मैं थोड़ा और डेकोरेशन कर रही हूँ, ताकि मेरा जो केक का लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो मेरा केक का लुक और मेरा केक दोनों ही बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।